हेलो, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा लेक्चर रहेगा पशुओं का बधियाकरण कैसे करें, या पशुओं में डीहॉर्निंग कैसे करें, और पशुओं के आयु कैसे ज्ञात करें। इसकी सब अपन विधियाँ पढ़ेंगे। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें तो उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। मंजिलें तो उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। आप पूरी जिद के साथ अपनी स्टडी कीजिए। हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया था, पशुओं में बधियाकरण। पशुओं में बधियाकरण क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी उसमें, है ना। क्या होता है पशुओं का बधियाकरण? नर पशुओं में वृषण को हटाकर और उनकी जनन शक्ति को खत्म करना ही क्या कहलाता है? बधियाकरण कहलाता है। और बधियाकरण की हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? जो मतलब मांस उत्पादन के लिए पशु या फिर खेती के उपयोग के लिए जो पशु को जरूरत होती है उसके लिए उनको बधियाकृत किया जाता है। इसकी विधियाँ, अलग अलग विधियाँ होती है। जैसे इसकी तीन विधियाँ होती है मेनली। फर्स्ट है हमारी बर्डिजो कास्टेटर के द्वारा इस विधि में किया जाता है। सेकेंड है हमारी इलास्टेटर या रबड़ बैंड विधि, और थर्ड होगी जो हमारे जो ऑपरेशन होता है सर्जिकली वो उसके द्वारा। फर्स्ट हम बात करते हैं जैसे बर्डिजो कास्टेटर के द्वारा। अब ये क्या है कि ये जो विधि है बर्डिजो कास्टेटर विधि, ये हमारी सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। और इसमें जो बधियाकरण होता है वो रक्त रहित बधियाकरण होता है, इसीलिए इस विधि को हम रक्त रहित बधियाकरण भी कहते हैं। और इसके लिए जो उम्र होती है वो आपको ध्यान रखना है, किस उम्र में करते हैं? 6 माह की उम्र में बधियाकरण किया जाता है। ये किससे करते हैं तो आप देख सकते हैं, ये है आपका बर्डिजो कास्टेटर। इस यंत्र के द्वारा पशु को बधियाकृत किया जाता है। इसमें ये रक्त रहित होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रक्त रहित बधियाकरण। और अगर आपसे पूछे कि भाई ये किस में प्रचलित है, तो मेनली ये किस में होता है? गाय एवं भैंस में प्रचलित विधि है। गाय एवं भैंस के लिए प्रचलित विधि, या फिर आपको सर्वश्रेष्ठ विधि पूछ ले तो वो होती है बर्डिजो कास्टेटर विधि, है ना। आपको याद रखना है गाय और भैंस के अंदर उम्र होती है लगभग 6 माह की उम्र पे करते हैं। और ये आपको मेनली ये बहुत बार पूछ लेते हैं सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो ये विधि जो है अपनी बर्डी जो कास्टेटर वाली वो सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड विधि की। सेकंड विधि होती है इलास्टेटर या रबड़ बैंड विधि। जैसे इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है, इसमें क्या होता है? रबड़ बैंड को जो अंडकोश होते हैं उनके ऊपर पहना दिया जाता है, उससे धीरे धीरे पशु बधियाकृत हो जाता है। ये किसमें प्रचलित है ये पूछ सकते हैं आपसे? भेड़ एवं बकरी में, है ना। पिछली जो हमने पढ़ी थी, अगर गाय और भैंस के लिए प्रचलित पूछे तो वो होती है बर्डिजो कास्टेटर, और अगर आपको भेड़ एवं बकरी के लिए पूछे स्पेशली तो कौन सी होती है? इलास्टेटर विधि। जैसे कि इस प्रकार इलास्टेटर होता है, इससे ये जो रबड़ बैंड होते हैं ये इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीरा लगाकर या ऑपरेशन विधि। इसके आपसे नाम से पता चल रहा है, इसमें कोई याद करने वाली चीज नहीं है। इसमें क्या होता है? ऑपरेशन विधि द्वारा पशु को बधियाकृत किया जाता है। और इसमें स्पेशली आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई ये किसके लिए प्रचलित है, ना। तो ये चीज आपको सबकी याद रखनी है, ये विधि जो होती है चीरा लगाकर बधियाकृत करना वो होती है सुअर में प्रचलित। बाकी इसके लिए ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, ऑपरेशन विधि है और सुअर में प्रचलित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशुओं में सिंह रोदन। जैसा कि हमने पढ़ा था, पशुओं में सिंह रोदन क्या कहलाता है? डीहॉर्निंग कहलाता है। पशुओं की जो कलिका होती है उसको दबा देना या पशुओं के जो सिंह काटना, उसी को हम क्या बोलते हैं? डीहॉर्निंग। अब ये तो हो गया डीहॉर्निंग क्या है। इसके बाद हम बात करें कि डीहॉर्निंग करते कैसे हैं, डीहॉर्निंग करने की जो विधियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी हमारी फर्स्ट विधि होती है आरी द्वारा। आरी द्वारा सिंगों को काटते हैं इसमें। सेकंड है केमिकल द्वारा, और थर्ड है हमारी गर्म छड़ द्वारा, और फोर्थ है जो डीहॉर्नर होता है इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर उसके द्वारा, और लास्ट जो है वो है रबड़ बैंड द्वारा, है ना। तो हम वन बाई वन बात करते हैं। जैसे आप फर्स्ट दिख रही है आपको आरी द्वारा। अब आरी द्वारा कैसे करते हैं? इसका मेन तो आपको ये याद रखना है, इसमें जो आरी द्वारा किसके करेंगे? जिसके सींग बड़े होंगे। जिन पशुओं के सींग बड़े होते हैं उनमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो आपको अगर अधिक उम्र के पशु के लिए या बड़े सींग वाले पशु के लिए पूछ लिया जाए कि भाई उसका सींग रोदन का तरीका बताइए, तो वो कौन सा होगा? आरी द्वारा। इस प्रकार से आरी से सींगों को काटा जाता है, ना। जहां से भी काटना है सींगों को आरी की सहायता से काटा जाता है। इसका मेन आपको यही याद रखना है कि अधिक उम्र एवं बड़े सींग वाले पशुओं के लिए ये इस विधि से करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसमें, अब बड़े पशु हैं तो आयु तो आप सबको पता है निर्धारित नहीं है, उसमें कभी भी कर सकते हैं बड़े सिंगों को, ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं
रासायनिक विधि। अब जो इसमें हम रसायन यूज लेते हैं, इसलिए इस विधि को क्या सर्वोत्तम विधि और वैज्ञानिक विधि भी मानते हैं। ये अगर आपको पूछे कि भाई सर्वोत्तम विधि कौन सी है इसकी, तो डिहोनिंग की तो, या फिर वैज्ञानिक विधि, तो ये होती है रासायनिक विधि। अब इसमें पूछ लेते हैं कई बार कि रसायन कौन सा यूज करते, तो जो KOH होता है, कास्टिक छड़, है ना, कास्टिक पोटाश जिसको बोलते हैं अपन, उसको यूज करते हैं, या फिर NaOH को भी यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, है ना। इस छड़ से क्या करते हैं कि जो बड बड होती है सिंक कलिका, उसके ऊपर इसको रखा जाता है, रगड़ा जाता है, जिससे क्या होता है कि वो उसकी जो अंदर जो भी है समाप्त हो जाता है, मतलब वो बढ़ता नहीं है, सिंक वहीं पे खत्म हो जाता है, जिसको हम डिसबडिंग, ये आपको पता है ये नाम से, ये डिसबडिंग, तो जो बर्ड होती है, जो छोटे नॉर्मली क्या छोटे पशु में ये तो 15 दिन के लगभग है ना, तो उसको जो बर्ड होती है उसको हटाया जाता है, इसको डिसबडिंग बडिंग भी कहते हैं, है ना। ये जैसे आप देख सकते हो इसमें ना, ये इस प्रकार ये छड़ होती है, ये छड़ होती है, इसमें यहाँ पे केमिकल का यो, ये यहाँ पे कास्टिक पोटाश है, उससे इसको किया जाता है ना, कलिका को हटाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गर्म छड़ विधि। अब गर्म छड़ विधि में क्या होता है, नॉर्मली ये इसमें भी आपको एज याद रखनी है जो मैंने बताई थी, लगभग 15 दिन के ऊपर करते हैं ना, छोटे के करेंगे डिसबडिंग। तो इसके बाद गर्म छड़ विधि की बात करें तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें क्या होता है, पिछली विधि में हम केमिकल का यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो छड़ होती है उसको आगे से गर्म करके और उसको सींग कलिका पे रखा जाता है, जिससे कि पशु में डिहोर्निंग हो जाती है, वो सींग कलिका वहीं पे दब जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, अब जो केमिकल विधि है वो तो सही विधि है, सर्वोत्तम विधि है, लेकिन इसमें थोड़ी क्या है, सुरक्षित विधि नहीं है। अब ये सुरक्षित क्यों नहीं है, क्योंकि जो पशु होता है उसको आसपास की जो चमड़ी जल जाती है उसमें भी कीड़े पड़ने की संभावना होती है, इसीलिए इसको हम सुरक्षित विधि नहीं मानते। इस प्रकार से ये होती है छड़, और उससे गर्म करके और ऐसे लगा दिया जाता है। स्पेशली आपको उम्र पूछे, उम्र का ध्यान रखना है 7 से 15 दिन, लगभग सब में यही है उम्र, और बाकी जैसे वो आरी विधि थी उसमें है ना कुछ भी उम्र हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत डीहोर्नर। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार का होता है ना, विद्युत डीहोर्नर का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो विद्युत डीहोर्नर होता है उसको 1000 डिग्री फारेनहाइट पे गर्म करके और उसकी उगती हुई कलिका पे रख दिया जाता है, जिससे वो वहीं पे समाप्त हो जाती है और नहीं बढ़ती है, वो है ना खत्म हो जाती है वहीं पे। और इसमें भी जो उम्र हमने बात की थी 1 से 2 सप्ताह या जो 15 दिन होते हैं वही उम्र है ना। आप देख सकते हैं इस प्रकार का होता है ये इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर। इसका स्पेशली आपको ये टेम्परेचर ध्यान में रखना है ना, वैसे तो अपने भारत में ये कम प्रचलित है, और ये जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। या फिर उम्र तो आपको पता ही है, जब डीहॉर्नर से कर रहे हैं तो क्या बड़े बड़े सींगों को काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे ना, छोटी जो कलिकाएं हो कि उन्हीं को दबा सकते हैं इनसे। तो उम्र आपको जनरल आइडिया याद रखना है कि 2 सप्ताह, है ना। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर वाली विधि। उसके बाद हम बात करें रबड़ बैंड वाली विधि। रबड़ बैंड वाली विधि में क्या होता है कि एक तो इसका है कि इसमें जो 10 सेंटीमीटर लंबाई तक के जो सींग होते हैं उनके लिए उपयुक्त होते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो छोटे सींग वाले पशु होते हैं उनमें ये रबड़ बैंड वाली विधि उपयुक्त होती है। लेकिन इसमें क्या टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसमें 3 से 6 सप्ताह का टाइम लगता है। इस प्रकार ये देखिए, जैसे ये सींग है तो ये सींग जो छोटे हैं तो बकरी के सींग, तो उस पर ये ऐसे रबड़ पहना दिए जाते हैं, तो इन रबड़ से धीरे धीरे क्या होता है, ये जो टाइट होती है रबड़ बैंड, तो इससे धीरे धीरे वो सिकुड़ के और वहाँ से ख़त्म हो जाता है ना। ये हो गई हमारी सिंगरोधन की विधियां। उसके बाद हम बात करते हैं पशुओं में आयु निर्धारण, मतलब पशुओं में आयु, हमने कल पढ़ा था पशुओं में भार कैसे ज्ञात करते हैं, आज हम देखते हैं पशुओं की आयु कैसे देखते हैं, मतलब अनुमान कैसे लगाएं कि पशु कितनी आयु का हो गया है। तो उसके लिए 2-3 विधियां होती है, जैसे एक तो पशु को शारीरिक स्थिति या उसके खुरों को देख के हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट विधि होती है पशुओं के सींगों को देखकर। अब सींगों को देख के कैसे लगाएंगे, जो पशु के सींग होते हैं उनके ऊपर छल्ले बनते हैं निश्चित उम्र के ऊपर, तो उन छल्लों की संख्या देख के और हम बता सकते हैं कि पशु की उम्र कितनी है, मतलब लगभग अनुमान लग जाता है। और नेक्स्ट हम बात करें थर्ड होता है दांतों की स्थिति के आधार पर। अब दांतों की स्थिति के आधार पर जो दांत निकलते हैं वो निश्चित टाइम पे निकलते हैं, सब आपको पता है, तो दांतों की स्थिति पे जो होता है वो बेस्ट विधि अपनी है ना। तो उम्र निकालने की ये सॉरी हाँ आयु निकालने की जो विधि है वो बेस्ट कौन सी है, दांतों वाली। अब हम बात करते हैं फर्स्ट विधि हमारी है पशुओं की शारीरिक दशा देख के। अब शारीरिक दशा में हम क्या देखेंगे कि पशु की जैसे त्वचा कैसी है, यहाँ पशु की पीठ कैसी है, यहाँ पशु की आंखें कैसी है, यहाँ पशु का स्वभाव कैसा है,
हाँ, ये चीजें हम देखते हैं। तो इसमें जैसे अब पीठ है, पशु की पीठ मतलब बिल्कुल सीधी स्ट्रेट पीठ है, वो पशु सही मतलब कम उम्र का होता है, और अगर थोड़ा झुका हुआ ऐसा होता है तो वो पशु ज्यादा उम्र का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं त्वचा की। तो त्वचा में क्या होता है कि जो मतलब चमकदार अच्छी जो सही मतलब कम उम्र के होते हैं पशु, उनकी त्वचा आपने देखा होगा चमकदार अच्छी होती है, झुर्रियाँ वगैरह उसमें नहीं होती है। लेकिन जो बड़े पशु होते हैं उनमें त्वचा में झुर्रियाँ आ जाती है, चमक कम हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वभाव। तो स्वभाव होता है पशु का, एक तो जो छोटा मतलब जैसे आप बच्चों की भी लेके देखें तो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उसी हिसाब से पशु भी जो छोटे पशु होते हैं कम उम्र के पशु होते हैं वो उनके बड़े पशुओं की अपेक्षा थोड़े मतलब एक्टिव ज़्यादा रहते हैं, जबकि वो थोड़े सुस्त टाइप से रहते हैं। जो बड़े पशु होते हैं वो सुस्त टाइप से रहते हैं। अब हम बात करते हैं खुरों की। तो जैसे आपको ये दिख रहा है, खुरों को देख के भी उम्र का अनुमान लगाते हैं। तो खुरों को देख के कैसे लगाते हैं कि खुर का आकार कैसा है, आकृति कैसी है, खुर बड़े कितने बड़े हैं, छोटे खुर है तो पशु कम उम्र का है, बड़े खुर है, या फिर जो खुर है वो साइडों से कटे फटे तो नहीं है, कटे फटे है तो वो ज़्यादा चला हुआ यानी ज़्यादा मतलब उम्र का पशु है, तो उसके खुर सही स्थिति में होंगे तो वो कम उम्र का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशुओं के सिंग देखकर। सिंग देखकर जैसे मैंने आपको बताया था कि पशुओं के सिंग देखते हैं, उसमें क्या होता है कि पशु के एक निश्चित उम्र पे जैसे 3 साल की उम्र पे पशु के जो फर्स्ट छल्ला बनता है सिंग पे वो बनता है, उसके बाद हर साल एक एक छल्ला बनता जाता है। तो ये विधि है सिंग सिंग को देख के ज्ञात करने की। उसमें क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं, टू है ना, 2 प्लस छल्लों की संख्या कर देते हैं ना, 2 प्लस छल्लों की संख्या ये हो जाता है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया 3 वर्ष पे एक छल्ला निकलता है, तो 2 प्लस 1 कर दिया तो 3 वर्ष आ जाएंगे, है ना। तो इसमें ये ध्यान रखना आपको, दो मतलब 3 वर्ष में पहला छल्ला निकलता है, और ये सूत्र ध्यान में रखना है, इससे आप पता लगा सकते हैं। अब लेकिन इस विधि को भी ज्यादा उपयुक्त क्यों नहीं मानते, क्योंकि आपने अपने अभी जस्ट पढ़ा है डीहॉर्निंग। अब पशु की डीहॉर्निंग की हुई है तो हम उसके सींगों को देख के कैसे पता लगाएंगे। एक होता है जैसे गाय में होते हैं आपके, जो गाय में वो छल्ले दिखाई देते हैं वो कम दिखाई देते हैं, भैंस में तो नॉर्मल दिखाई देते हैं लगभग, लेकिन गायों में कम दिखाई देते हैं। तो उस स्थिति में भी हम ये सिंग देखकर थोड़ा अंदाजा कम लगा सकते हैं। और अगर डीहॉर्निंग कर दी, स्टार्टिंग में ही डीहॉर्निंग कर दी जाए तो फिर सिंगों वाला कोई मतलब ही नहीं रहता तरीके का, है ना। ये आपको मैंने बताया था जैसे 3 वर्ष की आयु पे पहला छल्ला आता है और प्रत्येक वर्ष एक छल्ला बढ़ता जाता है, ये इसका सूत्र आप ध्यान में रखें कैसे निकालते हैं, ये 2 प्लस जो भी आपके छल्लों की संख्या आती है उसको देखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दांतों की स्थिति के आधार पर। अब ये दांतों की स्थिति के आधार पर जैसे मैंने आपको बताया था ये सर्वश्रेष्ठ और वैज्ञानिक विधि है, सबसे अच्छी विधि हम इसी को मानते हैं, क्योंकि दांतों में तो कोई फेरबदल होता नहीं है, वो निश्चित उम्र पे आते हैं, निश्चित उम्र पे टूटते हैं ना, तो दांतों की इसको हम बेस्ट मानते हैं। इस प्रकार से दांतों को गिन के और मतलब कौन से दांत किस कब आ गए हैं उस हिसाब से पता लगाया जाता है। में क्या होता है कि 4 प्रकार के दांत होते हैं पशुओं में। फर्स्ट दांत होते हैं उनको हम बोलते हैं कृंतक दांत, या उन्हीं को बोलते हैं इनसाइजर दांत। सेकंड होते हैं कील दांत और केनाइन बोलते हैं जिनको इंग्लिश में, और थर्ड होते हैं अपने प्री मोलर, जो अग्र चवर्ण बोलते हैं जिसको प्री मोलर या अग्र चवर्ण, और लास्ट होते हैं चवर्ण या मोलर, मोलर दांत, है ना। तो हम वन बाय वन इनको देखते हैं कौन से दांत क्या है। फर्स्ट हम बात करते हैं कृंतक दांत। कृंतक दांत जो होते हैं पशु में अस्थायी स्थायी दोनों तरीके के पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है जो अपने जुगाली करने वाले पशु है इनके अंदर सिर्फ नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं, यानी ऊपर वाले जबड़े में ये कृंतक दांत उसमें नहीं पाए जाते, एब्सेंट रहते हैं, जो जुगाली करने वाले पशु है उनमें, है ना। तो सिर्फ नीचे वाले में, और कितने पाए जाते हैं ये दांत, 4 जोड़ी होते हैं ना, ये भी ये जो दांत होते हैं काटने वाले दांत, तो जो काटने वाले दांत है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कृंतक दांत। और इसमें निचले जबड़े में तो ये पाए जाते हैं और संख्या में 4 जोड़ी होते हैं, लेकिन ऊपर वाले जबड़े में ये, इस जगह आप आगे पढ़ेंगे डेंटल पेड बोलते हैं इसको, तो ये पाया जाता है, इसकी जगह दांत नहीं होते हैं, सिर्फ ये दांत यहीं पे होते हैं ना। और जनरली जो उम्र का पता लगाते हैं वो भी हम कृंतक दांतों की सहायता से ही लगाते हैं, ये जैसे आप ध्यान में रखें उम्र का पता लगाने के लिए स्पेशली कौन से दांतों का, कृंतक दांतों का पता लगाया जाता है, उस हिसाब से ही हम, ये मैंने आपको बताया जुगाली करने वाले पशुओं में, और ये चीज़ आपको याद रखनी है ना, कितनी जोड़ी पाए जाते हैं, अगर पूछ ले भाई कृंतक दांत कौन से जबड़े में कितनी जोड़ी, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कील या केनिन दांत, है ना। कील दांत जैसे आपको दिख रहे हैं ये हमारे जुगाली करने वाले पशुओं में तो होते नहीं है, और जो ये मांसाहारी या फिर जो काटने वाले पशु होते हैं
इनके अंदर ये कील दांत पाए जाते हैं ना, और संख्या में दो जोड़ी या चार दांत होते हैं। इस प्रकार से जो आपने देखा हुआ भी होगा ये कि जैसे शेर हो गया, कुत्ता हो गया, इनके अंदर ये लंबे लंबे दांत पाए जाते हैं ना, काटने का काम आते हैं ये इनमें ही पाए जाते हैं, अपने जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं पाए जाते हैं। तो वैसे तो इसका इतना अपने महत्व है नहीं, लेकिन वाह कितनी जोड़ी होते हैं ये तो आपको ध्यान में रखना है ना। बाकी इन दांतों का अपने एनिमल्स में महत्व नहीं है, जो अपने जुगाली करने वाले हैं उनमें नहीं पाए जाते हैं, नो मतलब मांसाहारी में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री मोलर या अग्रचर्वण। प्री मोलर दांत कौन से होते हैं, ये मतलब जन्म से ही आ जाते हैं, और जब ये दोनों जबड़ों में उपस्थित होने और इस मतलब दोनों जबड़ों में होते हैं, और स्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं ना। और इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो ये होती है 6 जोड़ी, है ना, 6 जोड़ी संख्या इनकी पाई जाती है। जो प्री मोलर्स होते हैं या इसको ही हम अग्रचर्वण भी कहते हैं, प्री मोलर्स कितनी संख्या होती है इनकी, 6 जोड़ी, जो कि दोनों जबड़ों में पाई जाती है, अस्थायी भी होती है और स्थायी भी होती है। जैसे आप इधर देख सकते हैं, ये वाले दांत हमने बात की थी इंसाइजर होते हैं, ये कैनाइंस होते हैं, ये मोलर्स यहाँ पे होते हैं और मोलर्स यहाँ पे होते हैं। जो लेकिन ये मोलर्स जो दांत है ना वो स्थायी दांत ही होते हैं, ये अस्थायी नहीं आते हैं, ओनली स्थायी दांत है मोलर्स। बात कर लेते हैं मोलर्स की। मोलर्स के बारे में हम देखें तो ये क्या होता है कि जन्म से ही उपस्थित होते हैं, और ये दांत मतलब इस प्री मोलर्स है ना, ये तो मोलर्स मोलर्स के बारे में आपको बता देती हूँ। मोलर्स क्या होते हैं, मोलर्स के बारे में जैसे आपको मैंने बता दिया ये 6 माह की उम्र पे आते हैं, 6 माह की उम्र पे आते हैं ना मोलर्स दांत। की उम्र क्या है, 6 माह की उम्र पे आते हैं, और ये चीज आपको याद रखने वाली बात है। अभी तक हमने पढ़े थे वो स्थायी और अस्थायी दोनों आ रहे थे, लेकिन जो मोलर्स होते हैं वो सिर्फ स्थायी दांत होते हैं, ये अस्थायी नहीं आते हैं ना। इसको हम जनरली अक्ल दांत या अक्ल दाढ़ भी बोलते हैं इन्हीं को, है ना। जैसे हमारे मनुष्य में बोलते हैं उसी प्रकार एनिमल्स में भी इनको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये लास्ट में आते हैं, ये वाले जो मोलर्स है ना ये लास्ट में आते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अक्ल दांत या अग्र दांत। अब इनका हम दंत सूत्र देखें तो इस प्रकार से लिखते हैं दंत सूत्र को, आई अपॉन आई प्लस सी अपॉन सी, कुछ लोग जानते भी होंगे है ना, पीएम अपॉन पीएम, और नेक्स्ट है मोलर एम अपॉन एम। मतलब ये क्या है कि इनको डिनोट करते हैं हम, जैसे इंसाइजर को आई से लिखते हैं, कैनिन को सी से लिखते हैं, प्री मोलर्स को पीएम से लिखते हैं, और मोलर्स को एम से लिखते हैं। अब अगर हम बात करें स्थायी दांतों की, जैसे स्थायी दांतों में मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले जबड़े में तो ये होते नहीं, मतलब अस्थायी दांतों में जो आई इंसाइजर है ना, अस्थायी में ऊपर वाले में तो ये होंगे नहीं, वैसे ही अपन ने पढ़ा था ऊपर वाले जबड़े में नहीं होते ये ना, तो नीचे वाले जबड़े में ही होंगे, थे कितने 4 जोड़ी, ये हो जाएंगे 4। और जो ये सी दांत है कैनिन्स, ये हमने पढ़ा था कि हमारे जो जुगाली करने वाले यानी गाय भैंस भेड़ बकरी के लिए भी यही है ना। भेड़ एवं बकरी के लिए भी यही, जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनके लिए ये दंत सूत्र होता है। हमने बात की थी जैसे ये तो होते ही नहीं है इनमें। उसके बाद हम बात करें प्री मोलर्स की, तो प्री मोलर्स जैसे हमने पढ़ा था अस्थायी में होते हैं, और कितने होते हैं, टोटल 6 जोड़ी पड़े थे है ना, टोटल 6 जोड़ी है, तो ऊपर वाले में 3 जोड़ी और नीचे वाले में 3 जोड़ी हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करें, हम अस्थायी सूत्र देख रहे हैं ना, ये अस्थायी वाला सूत्र देख रहे हैं हम, अस्थायी है ना, अस्थायी वाला है ये। तो इसमें हम बात करें मोलर्स की, तो मोलर्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, मोलर्स तो होते ही नहीं, मतलब अस्थायी तो होते ही नहीं है, हम अस्थायी पढ़ रहे हैं, अस्थायी में मोलर्स क्या लिखेंगे हम, 0 0, तो ये आपका बन जाएगा ये वाला सूत्र है ना। उसके बाद हम स्थायी की बात करते हैं, स्क्रीन नहीं आ रही क्या, अभी भी नहीं आ रही है अनिल, स्क्रीन आ रही है नहीं आ रही है, कमेंट करके बताएं जल्दी से आ रही कि नहीं आ रही स्क्रीन। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं स्थाई का, स्थाई में क्या था, स्थाई में हमने स्थाई में भी वही बात है, नीचे तो जो इंसाइजर होते हैं वो नीचे के जबड़े में ही पाए जाते हैं, तो नीचे तो हम 4 लिखेंगे और स्थाई में भी ऊपर 0 आ जाएगा। उसके बाद हम सी की बात करते हैं, तो सी तो होते ही नहीं है, है ना। फिर हम इनकी प्री मोलर्स की बात करें, तो प्री मोलर्स तो आपने देखा कि स्थाई भी होते हैं और
अस्थायी भी होते हैं, और संख्या में हमने पढ़ा था 6 जोड़ी ही होते हैं, मतलब 6 जोड़ी यानी 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे। फिर हम बात करते हैं मोलर्स की, मोलर्स में भी हमने पढ़ा था कि ये तीन तीन होते हैं, मतलब 6 जोड़ी होते हैं मोलर्स भी, और स्थाई में तो मोलर्स है तो स्थाई में हम इनको लिख देंगे। अब इनसे दांत कैसे, दांतों की संख्या कैसे निकालें, ये तो हमें जोड़ी में है ना, तो इंटू टू कर देंगे हम इनको, जोड़ी में है तो उनको प्लस करके और इंटू टू कर देंगे। जो अस्थाई दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं ना, 3 3 6 और 4 10, 10 × 2 20 है ना। मैं आप लिखे अस्थाई दांत टोटल होते कितने हैं, 20 है ना, अस्थाई दांत आपके 20 होते हैं एनिमल्स के अंदर, है ना। उसके बाद हम बात करें इसकी, तो इसमें भी हमने आपको पता है ये सब जोड़े में लिखे हुए हैं ना, 3 जोड़े 3 जोड़े ऐसे करके सब जोड़े हैं, 4 भी जोड़ा है, तो जोड़े हैं तो हमको डबल करने पड़ेंगे उनको दांतों की संख्या गिनने के लिए ना। इसमें कितने हो जाएंगे, कितने होते हैं, 32 होते हैं ना, 3 3 6 6 12 12 और 4 16 है ना, 16 × 2 तो 32 हो जाएंगे। तो आपके स्थाई गाय भैंस भेड़ बकरी इनमें अगर स्थाई पूछ ले तो 32 दांत होते हैं ना। ये हो गया आपका दंत सूत्र। दंत सूत्र में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, सिर्फ वॉइस ही आ रही है क्या, स्क्रीन नहीं दिख रही है, अभी भी शो नहीं हो रही है स्क्रीन। ये समझ में आ गया सबको, दंत सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं हम, अब दांतों के अनुसार कैसे ज्ञात करें, उम्र कैसे देखें पशु की, मतलब दांत के अनुसार। तो ये आपके अलग अलग एज में, जैसे कि अगर 1.5 वर्ष का है पशु तो उसके जो एक जोड़ी अस्थायी कृंतक दांत, जो अस्थायी थे कृंतक दांत, जब अस्थायी कृंतक दांत टूटेंगे तभी तो स्थायी आएंगे, ये तो आपको पता है जनरली, जब अस्थायी टूटेंगे तभी स्थायी आएंगे। तो फर्स्ट होता है जो 1.5 वर्ष का पशु है उसके होते हैं एक जोड़ी, जब अस्थायी दांत मतलब कृंतक दांत टूट जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 1.5 वर्ष में, तो 1.5 वर्ष से, सॉरी 1.5 वर्ष की बात कर चुके हम, 2 वर्ष से, 2 वर्ष के बाद 2 2.5 3.5 4, इन सब में क्या होता है कि एक एक जोड़ी जो स्थायी कृंतक दांत होते हैं वो आते हैं। तो स्पेशली आपको अभी पीछे मैंने बताया था कि जो उम्र देखते हैं उसके लिए कृंतक दांतों को ही ज्यादा, कृंतक दांतों का ही महत्व होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, दांतों के अनुसार हम कैसे देखते हैं ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी, वैसे तो बहुत होता है फर्स्ट सप्ताह सेकंड, लेकिन स्पेशली जो कृंतक दांतों के हिसाब से अपन जो ध्यान में रखने वाली है ना, वैसे तो टेबल बहुत लंबी चौड़ी भी बन जाती है इसकी, लेकिन जो स्पेशल इंपॉर्टेंट जिससे मतलब कृंतक दांतों के रिलेटेड जो भी है ये सब आपको याद रखना है ना। कुछ इसकी वो हो गया अपना, इसकी कुछ इसके अंदर जो टर्म्स है डेफिनेशन है, डेंटल पेड, डेंटल पेड में आपको बता चुकी हूँ पीछे भी क्या होता है डेंटल पेड। डेंटल पेड जो वो मोटी सी ऊपर, जो नीचे तो कृंतक दांत होते हैं, ऊपरी जबड़े में जो ऊतकों की मोटी सी परत बन जाती है, ऊपरी जबड़े में जो मोटी सी ऊतकों की वो जो बन जाती है परत, उसी को क्या बोलते हैं, डेंटल पेड बोलते हैं ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं टूटा मुख, तो पशु के एक या एक से अधिक स्थायी दांत गिर गए हो यानी टूटा मुख, यानी उसके एक या एक से अधिक स्थायी दांत, स्थायी दांत अगर गिर जाते हैं, अस्थायी तो गिरते ही है नॉर्मली, लेकिन जब एक या एक से अधिक स्थायी दांत गिर जाते हैं तो ऐसे पशु को बोलते हैं स्थायी, वो टूटा मुख वाला पशु है ना, टूटा मुख यूज करते हैं उसके लिए। और ऐसा भरा मुख, नेक्स्ट है भरा मुख, भरा मुख क्या होता है, भरे मुख में आपको नाम से ही पता चल रहा है, भरा मुख यानी कि उसमें सारे दांत उपस्थित हो, ऐसा पशु क्या कहलाता है, भरे मुख वाला पशु है ना, भरा मुख, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, भरा मुख। एक आध और है ये देख ले आप, पोपला या गमर, ये हम नाम से ही आपको पता लग रहा है कि वह पशु जिसके स्थायी दांत गिर गए हो ना, स्थायी दांत सारे गिर जाते हैं तो क्या हो, पोपला हो जाता है अंदर से बिल्कुल, ये इस तरीके से है ना, दांत ही नहीं है इसमें, सारे स्थायी दांत गिर गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोपला या इसको गमर बोलते हैं ना। तो ये अधिक उम्र वाले पशु होते हैं उन, वो होते हैं पोपले। नेक्स्ट हम बात करते हैं कपोल दंत, अब जो ये प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं, प्री मोलर प्लस मोलर्स, मोलर और प्री मोलर दोनों दांत होते हैं उनको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, कपोल। कभी आपको मतलब टर्म आ जाए कपोल किसको बोलते हैं, तो सारे दांत नहीं है इसमें, सिर्फ प्री मोलर्स और मोलर्स दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, कपोल दंत या कपोल दांत बोलते हैं। ओके, हमारा ये हो चुका है, इसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, धन्यवाद।